Hi everyone! And welcome to all of you to your own channel, Literature Pole with your tutor, Swarnadeep. So today we are going to cover a new poem, A Touch of Winter by Tofiq Rafat. So before starting the poem, we have to discuss some facts and figures. So let's get started. So, Tofiq Rafat, who that he was, in mein usse 27 mein peda huye the. Unhone apni poetry 12 saal ke umar mein hi jo thi, wo start thi. The Arrival of the Moon Sun, his first was unki pehli collection thi 1985 mein, aur isi mein poem thi A Touch of Winter. So let's get start. A touch of winter. The hallucinatory leaves of winter brush my sleeves as I walk, abstract among the crows. So this poem is basically a monologue where the poet is addressing himself and is musing about the weather. Basically, a monologue वो चीज होती है, एक speech होती है given by a single character in a story. एक ही बंदा जो होता है वो बाकी reader से खुद ही बात कर रहा होता है अपने बारे में बता रहा होता है. जी, तो हेलोसिनेट्री मीन्स हयाली अनरियल फ़िक्शन बेस्ड जो होती है चीज़ तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो नरेटर हैं वो ये बात कर रहे हैं जो हमारे स्पीकर हैं वो बता रहे हैं कि वो वॉक कर रहे हैं क्रोस के दरमियान में और जो हेलोसिनेट्री लीव्स हैं वो उनके जो हैं स्लीव्स को ब्रश कर रहे हैं यनि ये सब कुछ रियल नहीं हो रहा हालिसनेट्री लीव्स है वो खुद के माइंड में ये सारा कुछ सोचा उन्हें ये सब कुछ नजर आ रहा है ये एक मेंटल डिसऑर्डर भी होता है और ये एक फ़िक्शन बेस्ड भी मतलब अनरियल चीज़ें जो होती है वो आपके साथ हो रही हैं तो हमारे स्पीकर के साथ भी यही चीज़ हो रही है द हालिसनेट्री लीव्स ऑफ विंटर ब्रश माई वो इस तरह गिर रहे हैं विंटर्स के लीव्स जो हैं कि वो मेरे स्लीवस को ब्रश कर रहे हैं यानी कितने स्मूदली वो गिरे हैं एज ए वर्क अमंग द क्रोज और क्रोज़ के दरमियान से जैसे ही मैं गुजर रहा हूँ यानी कि यहाँ पर क्रोज भी क्रोज़ का भी जिक्र हो क्रोज मतलब कोई भी अगर राइटर या स्पीकर अपनी पोइम में अपनी स्टोरी में क्रोज का जिक्र करते हैं तो उसका मतलब होता है वो ग्लूमी सीजन का बता रहा है उसका मूड जो है वो सैड है डिप्रेस्ड है उसकी पर्सनैलिटी यानी पोइट कहीं से गुजरे हैं किसी जगह से किसी गार्डन से हैं, और वो उदास है ठीक है ना दो चीज़ें हालोसनेट्री लीव्स और क्रोस और हम लोग जानते हैं कि जब भी विंटर्स को शो किया जाता है तो विंटर्स डिके डेथ इन सारी चीज़ों को ऊपर से हालोसनेट्री लीव्स का बता दिया है ऊपर से क्रोस का भी जो है उसने एडिशन कर दिया तो ये सारा कुछ क्या है डेथ और डिके और डिस्ट्रक्शन को बता रहे हैं ये सारी चीज़ें मतलब पोइट के मूड को बता रही हैं कि मतलब वो खुश नहीं है वो विंटर से बिल्कुल भी बिल्कुल सैड है वो उसकी पर्सनैलिटी बताई जा रही है वो गार्डन में गुजरा है और जो सीज़न है विंटर का वो से द डेथ की जो है वो सिंबल्स दे रहा है फिर सारा कुछ इसने ये बताया है और ये सारी चीज़ें जो है हमें याद दिलाती हैं मेमोराइज़ कराती हैं एडगर एलेंस पॉय की द रावन जो पोएम थी जो न वो थी उसके अंदर उसने क्रोस का बहुत ज़्यादा जिक्र किया और अपनी जो ग्लूमी जो सीज़न है वेदर है मतलब अपने सैडनेस को दिखाने के लिए डिप्रेस डिप्रेशन को शो कराने के लिए उसने ये कराया था द सेकेंड कप इट स्टार्ट विथ विच आर ड्राफ्ट इन दियर ब्लैक सस्पेशियस अ स्टेप वे कैनली मैचिंग माई स्ट्राइड ड्राफ्ट लिपटा हुआ सस्पेशियस शक् व शुबात कैनली बड़ी चलाकी से माई स्ट्राइड यानी कि मेरे कदम मेरे कदम जो मैं उठा रहा हूँ उनको गिनना अ स्टेप वे एक कदम ज़रा दूर इसमें आप कोई ये कहने की कोशिश करें कि किस तरह जो क्रोज है वो मुझे जो है कव्वे जो है वो मुझे फॉलो कर रहे हैं पहले वाले स्टेंसा में उसने गौथिक मूड अपना बता दिया दूसरे वाले में फिर वो ये चीज़ बता रहा है और गोथिक मूड क्या होता है गोथिक क्या होता है मतलब मिस्ट्री हॉरर ये सारी चीज़ें अब वो क्या करे सेकेंड वाले स्टेंसा में इस वाली जो लाइन्स है वो ये बता रहा है विच आर ड्राफ्ट इन दियर ब्लैक स्पीशियज जो कि अपने काले शक्को शुबात की चीज़ों में छुपे हुए यानी कि वो जो ब्लैक है एक तो उनके शेडोज हैं और दूसरे वो खुद भी ब्लैक है तो उन चीज़ों में वो छुपे हुए हैं स्टेप वे जरा एक दूर कदम मुझसे कदम से कदम मिला के चलने की कोशिश करें यानी वो मेरा पीछा करें इन दिस पैराग्राफ द पोइट बेसिकली सेज दैट हाउ द ब्लैक रोज हिम बिल्डिंग ऑन अ सेम गो मूड एज एस्टैब्लिश फर्स्ट एनसा द पोइट हेलिसनेट दैट दीज पोकी बर्ड्स आर फॉलोइंग हिम और क्योंकि जब वो उनका पीछा करें तो वो पोइट को एक ऐसा इशारा दे रहे हैं एक ऐसे शक को शुभा में डाल रहे हैं कि कुछ गलत ओमन कुछ गलत साइन जो है कुछ गलत होने वाला है उसकी लाइफ में कुछ ऐसा जो डिस्ट्रक्शन लेकर आएगा जो डिके लेकर आएगा जो डेथ लेकर आएगा यानी कोई भी होप उसको नज़र नहीं आ रही ये सेकेंड वाली लाइन्स थी इसकी नेक्स्ट वो कहते हैं अलिटमस विंड विन विच टर्नस माई रेड लिप्स एंड ब्लू हैज़ बर्नड एंड लॉन्च द लीव्स लिटमस एक तरह का मटेरियल होता है मादा जो आप सब लोगों को पता होगा जो कि जो कि कलरिंग मटेरियल होता है दैट टर्न्स रेड इन एसिड सॉल्यूशन एंड ब्लू इन अल्काइन सोल्यूशन एक हल पजी मादा होता है आप सबको पता होगा जो तेज़ में डालें तो वो रेड हो जाता है और अगर किसी बेस सोल्यूशन uh, में डालें तो वो ब्लू हो जाता है तो उस तरह का उसने लिटमस यहाँ पे ये जो वर्ड है केमिकल वर्ड है वो यहाँ पे यूज़ किया वो कहता है अलिटमस वंडवा उस लिटमस uh, जो केमिकल जो मटीरियल की तरह है डैट मेक माई रेड लिप्स टर्न डैम इंटू ब्लू मतलब उसने मेरे जो लाल होंड थे उन उसने उनको नीला कर दिया किया यानी वो स्वेयर किस्म की जो कोल्डनेस है वहाँ पे जो सर्दी है उसकी शिद्दत बता रहा है कि कितने शिद्दत में मैं गार्डन में चल रहा हूँ ये इतना विंटर मतलब इस तरह का विंटर है कि मेरे जो लाल होंड थे वो नीले हो गए नेक्स्ट वो ये कह रहा है हाज एंड लॉन्च द लीव्स यानी कि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि लीव्स जो हैं वो गिरते जा रहे हैं जो सीज़न डार्कनेस uh, का सीज़न है वो अपनी पीक पर है और जो लीव्स हैं वो गिरते जा रहे हैं कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे पोइट के इर्द गिर्द यानी उसे ये सिग्निफाई दे रहे हैं ये उसको uh, मतलब एक सिग्निफिकेंस दे रहे हैं कि अब डेथ और डिके जो है डिस्ट्रक्शन जो है वो ये विंटर्स के करेक्ट्रिस्टिक्स हैं तो हमने देखा वो इतने बड़े ब्यूटीफुल तरीके से जो है वो कूल्ड डस्ट ऑफ इंट्री ईयर के बारे में बताया हुआ किस तरह चल रही है और उसके बाद इतनी ठंडक है कि उसने उसकी हवा को जो केमिकल एमेजरी दिया लिटमस का नाम दिया उसने और उसने कहा कि इन इस लिटमस केमिकल हवा ने मेरे जो मोन्ट है वो रेड से ब्लू कर दिए हैं और उसके बाद उसने बताया हुआ कि पत्ते मेरे यहाँ और वहाँ गिर रहे हैं और मुझे ये सिग्निफाई दे रहे हैं ये सिग्निफिकेंस मतलब ये एक मुझे पॉइंट दे रहे हैं मुझे हिंट दे रहे हैं कि अब डिस्ट्रक्शन और डेथ आ रही है और ये जो सारे करेक्ट्रिस्टिक्स हैं ये विंटर के हैं इसमें बस ये बिता हुआ हुआ है तो नेक्स्ट इज़ विथ ह्यूमन प्रपैचुटी इट्स स्लिक एंड वरिशाम्स केयरस मी हेयर एंड दियर प्रपैटू का यहाँ पर प्रपैचुटी का यहाँ पर मतलब है इलाक़्यात स्लिक का मतलब है होशियार चलाक और वोरिश का मतलब होता है फ़िक्र करना केयरस का मतलब होता है टच जेंटली वो कह रहे हैं कि ये नेचर जो है मुझे इंसानी इलाक़ियात शो करिए कभी ये चलाक और uh, मंद लगती है कभी ये फिक्रमंद लगती है और मुझे जेंटली टच करते हैं इसके जो लीव्स हैं द नेक्स्ट इज़ नाउ द द्राउंड बर्न विद अ फाइव पॉइंटेड ग्लोरी ऑफ द मेपल मेपल जो होता है वो एक तरह का पत्ता होता है जैसा आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और इसका मतलब होता है प्रॉमिस ऑफ बैलेंस लव सक्सेस ये सारा कुछ यानी इट इज़ कनेक्टेड विद द पावर ऑफ लव तो इस मेपल लीफ को बहुत अच्छा समझा जाता है लेकिन वो यहाँ पे उस मेपल लीफ को भी लिटर्ड कह रहे हैं कूड़ा क्रिकेट कह रहा है वो कह रहे हैं नाउ द ग्राउंड बर्न विद लिटर्ड इस कूड़ा क्रिकेट से जो है ग्राउंड भर चुकी है उस मेपल लीव से जो है वो जो पॉइंटेड ग्लोरी यानी उसके फाइव शेप्स होती हैं जिसे मैंने पिक्चर में आपको दिखाया तो उसकी पाँच मतलब इस तरह नोकदार होती है तो उसमें उसने पॉइंटेड कहा पॉइंटेड ग्लोरी जिसे मतलब लव का सिम्बल कहा जाता है साइन कहा जाता है आज इसे ये कूड़ा और क्रिकेट कह रहे हैं यानी विंटर्स ने उसे कूड़ा क्रिकेट बना दिया इनके लीव्स को नीचे गिरा के तो नेक्स्ट इज एंड द पाउंड इज पिक्ड अप बाय द एज इज़ अ एंड शेकन लाइक अ रग एब्रप्टी यानी अचानक एजिजेनिक किनारे एंड शिकन लाइक रख यानी कलिन की तरह हिलाना और पोन का मतलब होता है तालाब वो कहते हैं कि तालाब के इर्द गिर्द इतने ज़्यादा पत्ते गिरे हुए हैं जब हवा चलती है तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने क्लीन को जो है उठा कर हिला दिया उस जो वो जो तालाब है उसको उसके किनारे ऐसे लगता है इतने भरगे हुए पत्तों के साथ तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसको हिला दिया हो दैक्स्ट इज सच एर्कमी एज द टाइम एंड माई मूड कमांड्स Ricker each day. क्योंकि तो मीनस के होना ईच डे एवरीडे कमांड्स मेरे हुक्म माई मूड यानी कि मेरा जो मूड है टाइम वक्त को सच एलकमी एल्कमी आपको पता कीमियाइज कीमिया जो अलकमिस्ट होते हैं उन्हें एल्कमी कहा जाता है ना तो कहते हैं एक ऐसी यानी कि हवा में कीमियाई कोई चीज़ फैल गई है कोई ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से मेरा टाइम और मेरा कमांड यानी कि हर रोज़ विंटर्स में यही टाइम होता है मेरा मूड भी यही रहता है हर रोज़ ये जो है दोहराया जाता है यानी कि वो ये चीज़ अपने बारे में बता रहा है कि कितना वो डिप्रेस हो चुका है कितना वो इन्वॉर्मेंट के बारे में उसको समझ नहीं आ रही वो क्या करे और क्या ना करे इन सच कंडीशन फॉर द कोडेड रिट अर्यर बर्न नाउ द स्पीकर सेटिंग फॉर सम सीक्रेट एंड लॉन्ग डिजायर्ड नॉक फॉर सम लेफ्ट वन विच माइट अल्टीमेटली गोन टू द पर्स टू दोइ सोल्स यानी Impatiently जो पोइट है वो वेट कर रहा है किसी ऐसे coded नोक की कि वो उसको दोबारा उसके दिल में जो है वो होप पैदा कर सके दोबारा वो जो अपनी ज़िंदगी जी सके वो जो समर्स में दिन या इन विंटर से हट के जो दिन जिया करता था वैसी वाली फीलिंग्स जो हैं उसमें वापस आ जाए तो वो किसी चीज़ का किसी सम सीक्रेट लॉन्ग डिजायर्ड नोक का जो है वो वेट कर रहा है ठीक है द नेक्स्ट इज अगेंस्ट द कोल्ड बैकग्राउंड वाइल द वन इट्स बर्ड अब वो ऊपर वाली लाइन को एक कंटिन्यूस करके नीचे मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पहले तो वो इमपेश जो था वो नॉक का वेट कर रहा था कि वो किस तरह बहाल हो जाए मतलब रिवाइव हो जाए और अब वो नीचे ये कह रहा है कि अगेंस्ट कोल्ड बैकग्राउंड वो जो सर्दी है उसको बैकग्राउंड उसने कहा है सर्दियों के दिन है जो वो सारा कुछ ये देख रहा है वाइल्ड द वाइंड कैटाप्ड्स एक्स बर्ड्स यानी कि कैटापल्ट का मतलब होता है लपेट लप में ले लेना कि इस सर्दी ने जो है परिंदों को भी इतनी सर्दी है परिंदों को भी इसने अपने लपेट लप में ले लिया यानी वो क्रोज भी जो है वो मुझे ग्लूमी से डेड से डिके डिस्ट्रक्शन का जो सह है सिम्बल दे रहे हैं तो मैं उन सब के ख़िलाफ़ जो है एक नोक चाहता हूँ एक रिवाइवल चाहता हूँ एक ऐसी होप चाहता हूँ जो मुझे जीने की जो है दोबारा वजह दे और इन सब के जो अगेंस्ट जो है कोल्ड वॉर जो कोल्ड बैकग्राउंड वो खत्म हो जाए जी तो नेक्स्ट वन एंड मोमेंटली प्रोलोंग द प्रेजेंट वन द स्मोक एंड टंग ऑफ़ इट विदान टी एंड जी यानी कि कोई भी चीज़ की जो स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है स्मेल होता है वो प्रोलोंग यानी कि किसी भी चीज़ को ज़ोर देना और मोमेंटली यानी कि जो आर्जी चीज़ होती है उसको ये चीज़ कहते हैं वो कहते हैं कि जो विंटर्स हैं ये कोई आर्जी नहीं है ये आज के दौर का नहीं है ये जो धुआं है सारा ये सब कुछ ये आज के दौर का नहीं है एक स्ट्रॉग सी जो स्मेल आ रही है यानी कि एक स्ट्रॉग सी जो फ्रेगरेंस मेपल लीव्स की या किसी की भी जो एक धुंध की जो मुझे फीलिंग आ रही है ये सिर्फ आर्जी तौर पर नहीं है बल्कि हर साल जो है वो रिपीट होती है और हर साल ये अपने साथ डिके डिस्ट्रक्शन जो है वो लेकर आती है तो लास्ट है अकेर्बिक फ्रेज़ दे वुल बी आई होप अ ग्रे नाइट एक्सपीरियंस मे आउट लाइस सॉरी मे आउट लास्ट दीज लाइट्स इन डेज एकरबिक मतलब कि एक्रबिक फ्रेस जो होता है कोई कड़वी बात कहना जो uh, अपने टेम्पर को शो कराना मतलब कुछ इस तरह कहना वो कह रही ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ़ एक ग्रे नाइट एक्सपीरियंस मुझे होप दे सकता है कि यह कड़वा सच एक तरह का है कि वो जो है इस इन हार्श और स्वेयर किस्म के जो डेज़ है ना ये लाइचेंट का लाइचेंट डेज़ का मतलब होता है हार्श और स्वेयर किस्म के जो डेज़ है इन डेज़ को जो है मेरी ज़िंदगी से ख़त्म करते थे तो ये मतलब यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा अ कार्बिक फ्रेश यानी एक कड़वा सच है कि ये ग्रे नाइट का एक्सपीरियंस होगा क्या यहाँ पर उसने ग्रेट नाइट क्यों यूज़ किया है इस चीज़ का मुझे भी आइडिया नहीं है लेकिन उसने तो कहा है कि वो ये ग्रे नाइट का एक्सपीरियंस होगा एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि ये जो है बुरे दिन जो है मेरे वो ख़त्म हो जाएँ और ये कड़वा सच है बस तो ये था जी आज की सारी पोइम का खुलासा एक दो फिर से इसके एज ए न क्रिटिकल अनालिस मैं आप लोगों को इसका थोड़ा बहुत बता दूँ ज़्यादा नहीं मैं कोशिश करूँगी इस पर लहदे से वीडियो बनाने का तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ जो है वो किया है इसमें हमने पोइट का जो मूड है वो देखा है कि वो सैड है डिप्रेस है उसकी पर्सनैलिटी बताइए कि वो किस तरह छोटी छोटी चीज़ों को जो है ख़ुद से मैटली तौर पर सोचता है और खुद से मतलब अज्यूम करता है उसके बाद हमने ये देखा कि ने जो ब्लैक रोज है उसे क्या बताया कि मुझे फॉलो कर रहे हैं उसने सेम गोथिक मूड इसके अंदर फर्स्ट एंजा में बताया यही से मतलब उसने तमीद बांधनी स्टार्ट कर दी पोटिक ट्रेडिशंस जो थी उसने वो बताया कि ये सारी जो चीज़ें मुझे बैड ओमेन बैड लक के बारे में बता रही हैं और ये सारा कुछ मतलब उसने इंस्पायर होकर लिखा था तो द डव एंड द फोनिक्स जो कि शेक्सपियर ने लिखी और उसमें इसने क्या किया था कि कव् को मना कर दिया था फ्यूनरल प्रोसेशन्स में आने का तो ये इसने वहाँ से लिया ठीक है इसके बाद उसने हमें ये बताने की लिटमस जो था उसने हवा को लिटमस कह दिया केमिकल एक कह दिया फिर उसने कोल्ड डस्ट के बारे में बताया कि कितनी ज़्यादा ठंडक थी वहाँ पर जहाँ से वो गुजर आई कि उसके जो होम थे रेड कलर के वही ब्लू मतलब उसने एक्सपेयर किस्म की कोल्ड एयर के बारे में बताया फिर उसने ये बताया द सीज़न ऑफ डार्कनेस जो है वो उसकी अपनी पीक पर है और उसके जो लीव्स गिरे हैं हम उसको क्या जो है वो हिंट दे रहे हैं हम सिग्निफिकेंस क्या उसको दे रहे डेथ के डिस्ट्रक्शन की ठीक है उसने फीचर्स ऑफ विंटर इसे बताया जी के विंटर्स में ये सब कुछ होता है उसने मैपल लीव्स के बारे में बताया कि जो एक लव का सिंबल है वो भी नीचे गिरे हुए तो उसे वो भी एक तो वो भी उसे एक कूड़ा क्रिकेट की तरह सॉरी कूड़ा क्रिकेट की तरह लग रही है उसके बाद उसने एक तालाब के बारे में बताया कि तालाब जो है एक छोटा सा पोंड जो है उसके उसके इर्द गिर्द है मेपल लीव्स गिरे हुए हैं तो उस खूबसूरती को भी उसने क्या कहा वो इतना डिप्रेस है कि उसने कहा ये सारा कचरा लग रहा है मुझे कूड़ा क्रिकेट लग रहा है और वो जो पोंड है जो छोटा सा तालाब है वो कहते हैं कि वो गिरे हुए पत्ते ऐसे लग रहे हैं कि जैसे जो विंटर है उसने उस कलीन को ज़रा हिला दी जब उसकी हवा चलती तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कलीन के किनारों को पकड़ा है और वो जो फॉलन लीव्स जो हैं वो इस उड़ रहे हैं इस तरह मतलब उसको लग रहे नेक्स्ट वो क्या बताता बताता है है अपनी फीलिंग्स कि ये सारा जो सीन मैं देख रहा हूँ एक मोमेंट्री सीन नहीं है ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए नहीं है कि मैं बाद में ठीक हो बल्कि ये ईयर बाई अपने टाइम को जो है वो अपने टाइम के साथ वापस आता है और इसी के साथ साथ जो मेरा मूड है वो भी ऐसा ही सेम होता है जैसे ग्लूमी होता है लोनसम होता है लोनलीनेस उसका शो किया हुआ वाँ। फिर वो एंड पे कहते हैं कि मैं किसी ऐसे सीक्रेट लॉन्ग डिजाइन नोक का वेट कर रहा हूँ कि कोई अपना मुझे आवाज़ दे कोई नोक करे ताकि पोइट के जो सोल है वो प्योरीफाई हो सके जो है वो साफ़ हो सके फाइनल मोनोलॉग में उसने यही बताया हुआ है कि अगर वो कुछ ऐसी लॉन्ग डायमेंशन पेशंस जो है वो रिप्रोड्यूस कर सके तो वो जी सकता है इन लामते दिनों से पाक हो सकता है इन विंट्री डेज़ में ग्लूमी डेज में जो है वो ठीक हो सकता है इनसे बाहर निकल सकता है और नई जिंदगी जो है वो स्टार्ट कर सकता है पैकअप इस पोइम का इस तरह करेंगे तो पोएम इज बेसिकली अग व पोइट इज अड्रेसिंग इम सेल्फ मिजिंग अबाउट द वेदर इज इन मोरमेंट दैट वट ही वुड और वुड नॉट बी एबल टू डू अंडरस्टैंड सच कंडीशन द गलूमी विंटर सीजन मेर इज द पोइट मूड आन हज डिजेक्टेड डिप्रेशन पर्सनैलिटी थ्रू आउट द पोइम पोइट ब्यूटिफुली